can start. Can we start, ma'am? Okay. Honorable Chairman, sir, faculty dignitaries, and my loving friends of the Srinath family, I, Pragya Rai of BS 2020, wishing you a very good morning. It is indeed a great pleasure and honor to welcome you all to this Go Green program organized to mark the World Environment Day. It is a day which aims to stimulate worldwide awareness of the environment and encouraging it by our actions. So let's begin today's journey of joy along and experience the ecstasy of Go Green. Let me introduce the engine of this train, our loving Eva ma'am, who will now speak the list. Yes, good morning all of you. Thank you for joining. We are gathered here to celebrate World Environment Day. So without further ado, let's start with our plantation program, Go Green program in fact. Today I'm going to plant Amla tree, okay. And this is Amla tree. This is our little cute Amla tree. And it is also known as Indian gooseberry. And its benefits are, you all know that it is of medicinal value, and its benefits are very much, it helps in digestion and is effective in for diabetic people, and also it prevents aging, graying of hair, and what else, it boosts our immune system. So I'm planting this tree in my society so that everyone could benefit from it. And we can eat it raw also, as you all know. Or yeah, aap isko paka ke bhi kha sakte hai. You must have eaten amla ka murabba. Is it? Khaya hai ya nahi khaya hai? Yes, ma'am. Khaya hai, ma'am. Yes, ma'am. प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि सबको बेनिफिट हो इससे. एंड जब भी अभी हमारा कंडीशन इज कोरोना इज गोइंग ऑन, सो विटामिन सी इज वेरी मच एसेंशियल फॉर अस. सो दैट्स व्हाई आई एम प्लांटिंग दिस ट्री. ओके, नाउ रेस्ट, ऑल ओके फॉर नाउ. विल गेट बैक टू आवर होस्ट प्रज्ञा. थैंक यू मैम. कमिंग ऑन द नेक्स्ट coach of this caravan, we have Pranti Lal of BA 2019. Good morning, ma'am. Are you ready? Hello. Are you, beta? Bol. Yes, Pranti. Good morning, everyone. आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सेगवान का पेड़ लगा रहे हैं. सेगवान को अनेक नामों से जाना जाता है. इंग्लिश में इसे टिक कहा जाता है, जैसे साइंटिफिकली मैराडोना मेरोना इंडेक्स कहा जाता है. ये एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है. इसकी लंबाई लगभग 100 से 150 फीट होती है. ये औषधीय उपयोग के साथ साथ इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस फर्नीचर बनाने में किया जाता है. जैसे कि औषधीय उपयोग, जैसे कि बाल को घुंघरेला और रेशमी करने के लिए, और बाल को जब बढ़ाने के लिए इसके छाल का उपयोग किया जाता है. और आपका वीडियो स्टक हो गया है. क्रांति, आपका वीडियो नहीं आ रहा है. हाँ, ठीक है, अब आ रहा है, अब आ रहा है. हाँ, कंटिन्यू. अपच होती है कि पेट में एसिडिटी होती है, तो इसके छाल का उपयोग किया जाता है. और सांप के काटने से विष को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है. इसका छाल का, इसके बीच का पथरी को खत्म करने के लिए किया जाता है. और इस तरह से सेगुइन एक बहुत मूल्यवान औषधीय रूप से भी और फर्नीचर के हिसाब से भी, बिजनेस पर्पस से भी, दोनों तरह से बहुत उपयोगी है. थैंक यू मैम. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू क्रांति. हियर वी हैव शीतल जारिका, बीए 2019. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मैम सुनाई दे रहा है? मैम
गुड मॉर्निंग. हाँ सुनाई दे रहा बेटा. कंटिन्यू मैम. आप लोगों के बीच में करंट का पेड़ लगा रही हूँ और ये हमारे दातुन के काम भी आते हैं. गांव में सबसे सवेरे इसी से शुरुआत होता है. उनका दातुन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसके जो बीज होते हैं उसे तेल बनाया जाता है और ये बहुत ही लाभदायक है. औषधि के काम आता है और इसके जो पत्ते हैं वो खाद खुजली जैसे खुजली तो होता है उसमें लगाया जाता है जिससे ये ठीक हो जाते हैं. और ये बहुत ही लाभदायक है. ये अक्सर गांव के एरिया में मिलते हैं. मैम मैं इधर है मैम. हेलो. हाँ बेटा आवाज थोड़ा कंजेशन है. हेलो. ओ हाँ मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू शीतल. थैंक यू शीतल. Wholesome excitement for present Jeet Mehto, DLA 2019. Present Jeet, you can start. Morning everyone. आज हम नीम का पेड़ लगा रहे हैं. और ये नीम का पेड़ एक्चुअली बहुत ही मतलब हिंदुस्तान में हम लोग का भारत देश में प्रचलित है और ये पूरे मध्य एशिया में भी लगाए जाते हैं जहाँ सूखे पड़े रहते हैं. नीम के पेड़ बहुत तेजी से बढ़ते हैं. लगभग ये 100 फीट के जितना हाइट बहुत ही कम समय में ले लेते हैं. और नीम के पत्तों का दवाई के तौर पर यूज़ किया जाता है. इनके डालियों का दत्वन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है. और नीम के जो बीज होते हैं उससे हम लोग दवाई मतलब एक तरफ से नीम का तेल निकालते हैं जो दवाई की तरह काम करते हैं और वो बहुत ही मतलब लाभदायक होता है बालों के लिए. इसलिए आज हम नीम का तेल लगा रहे हैं. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू प्रसन्नजीत. कमिंग नेक्स्ट अ यंग टैलेंट प्रियंका कुमारी. Today on the occasion of Environment Day, I am going to plant a lemon tree. So the scientific name of lemon is Citrus limon. Lemon plant a rich source of vitamin C, calcium, magnesium, potassium and iron. These minerals help us in building and maintaining healthy bones as well as it protects us from many diseases. It is also useful for our skin as it has some antibacterial and antifungal properties. It is also helpful for controlling our weight as it has vitamin C. So lemon is full of health benefits. So thank you and wish you all happy learning day. Thank you Priyanka. Coming next to show her gardening skills. Shibani Mehto, BA 2020. Good morning, everyone. So today on the day of World Environment Day, I am planting guava. So, you come nice. Guava has vitamin A, E, and E. Too many good have a body to fight with infection, common infection. It is also said to be a stress agent, an anti-stress agent, because it contains calcium. Because the fruit contains calcium, magnesium, so it helps our muscles and nerves to get relaxed. So if you have a very hard day or a hard workout you have, you can have just one guava that will provide you or that will get you relaxed. Fruit is beneficial. Its leaves are also very much beneficial. It's it helps to reduce hair fall and also because of the antioxidant and antioxidant properties present over here. So at last, I want to say that to save our environment and to get pure oxygen, we must plant more and more trees
and keep our surroundings clean and green. Thank you. Thank you, Shibani. Here we have Anuradha of BA 2020. Okay. Good morning, all of you. आज 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं ये आम का पौधा लगा रही हूँ जो आज से कुछ सालों बाद एक पेड़ का रूप ले लेगा और यह पेड़ इस आम के पेड़ के पत्ते फूल उसकी लकड़ियाँ ये सारे भारतीय हिंदू समाज में बहुत ही उसकी पूजा में या फिर उसके किसी भी शुभ कार्य में बहुत ही प्रयोग में लाई जाती है। आम का कच्चा आम का जो फल होता है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। पेट में पाचन क्रिया को ये मजबूत करता है और पका हुआ आम इसमें विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी पाया जाता है और इसमें कैल्शियम पोटेशियम कार्बोहाइड्रेट और आयरन भी पाया जाता है। केवल आम का पेड़ ही नहीं बल्कि कोई भी पेड़ या पौधा हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसलिए अभी हम इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की समस्या को अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अब पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। सांसें हो रही है कम आओ पेड़ लगाए हम। थैंक यू। थैंक यू अनुराधा। I know by seeing them, we all are very excited to plant a tree. But hold on, because we have Kumari Simran, BA 2020. Good morning, everyone. On this occasion of World Environment Day, today I'm planting a small plant of turmeric. Turmeric's scientific name is Curcuma longa. Turmeric is very beneficial and useful to us in many ways. It grows as a root of the plant. It is indoor as well as outdoor plant. Turmeric is a natural herb that is commonly found as a spice in a wide variety of food. Curcumin is the main active pigment present in turmeric. It has a very powerful anti-inflammatory effect and it is a very strong antioxidant. Turmeric has a lots of scientifically proven health benefits, such as the potential to prevent heart diseases, Alzheimer's, and cancer. Turmeric is used as for treatment in indigestion, loss of appetite, jaundice, liver diseases, respiratory diseases, fever, etc. Turmeric is also used as a treatment for skin condition. At last, I want to end by saying few words. Add greenery to the environment to make it fresh and light. We should plant more and more trees so that we can make our surrounding clean and green. Thank you, everyone, and have a great day. Thank you, Simran, for enlightening us. Next, we have Jagriti Kumari of BA 2020. And as well as good for hydration. Hydrate to our skin. Thank you. Jagriti, your video has got stuck. Check once. Now it is okay. कुछ करना मत बस पकड़ कैसे बैठी रहना। Yes yes it's okay. You can continue. Morning everyone. Today I am going to plant Calendula penta plant. It is also known as Pathachetta and in Sanskrit it is known as the Pasan Veda, in which Pasan means stone and Veda means and It is used to treat kidney stone and it's also used for hydration our skin. Thank you. Thank you, Jagriti. Now we have Madhu Kumari of DLA 2020. Good morning, everyone. Respected sir, teachers, and my dear friends. On this occasion of World Environment Day, I am planting Erica palm tree. This plant is very useful
This plant is an indoor plant. This is very useful for purification of the air. It absorbs all kinds of harmful gases and release oxygen in the air. This plant help us to purify the air from the environment. This plant is very useful for those people who are suffering from sinus and asthma problem. This plant have ability to relieve more oxygen at night and help to sleep better at night. So plant more trees and save the environment. Thank you. Thank you, Madhu. Last but not the least, we have Sambhav of DLF 2020. Just give them इसको नीचे रखो. Okay. Am I audible to all teachers? Yes, Amba. Okay. Good morning, first of all, to all of you. Good morning to all of you. Today it's a World Environment Day. We all are celebrating. It's a day that we all have to plant so many saplings. I am going to plant a basil sapling which has so many incredible benefits, and it is known by everyone in India. Like, we use it in our kitchen also, like in our tea. It prevents the coughing cold. Okay, so we have a lot of benefits. I would like to definitely discuss some benefits of this. Like, it prevents the skin disease. It saves, protect us from, saves us from digestive also. We use it in our TV drink. Then it supports in liver function also. We have a lot of benefits of this. And even it is worshipped also in our India by Indian people. So I would say that we should all plant the saplings all the day, not only on Environment Day. And it keeps our environment very fresh and disease-free. Thank you so much. Thank you, Sambhav. I would like to request Ariba ma'am to say some few words. Thank you, Pragya. Vinay sir, I'm asking you, koi aur bachcha hai jo ki plantation karna chahte hain? Because we have time. हम लोग के पास वक्त है. विनय सर, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो मैम, यू आर ऑडिबल. विनय सर, यू आर? यस मैम, यू आर ऑडिबल. ओके विनय सर. हाँ मैम, बोलिए. इज देयर सम स्टूडेंट हु वांट टू प्लांट अ ट्री और वांट टू शेयर समथिंग? बिकॉज वी हैव टाइम. ऐसे किसी स्टूडेंट ने तो नाम नहीं दिया अभी तक. Okay. कि वो करना चाहते हैं, फिर भी अगर जो लाइन में है, अगर वो करना चाहते हैं, उनके पास अगर अवेलेबल है प्लांट और ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. एनी स्टूडेंट हु विलिंगली वांट टू प्लांट अ ट्री एंड शेयर विद अस, यू आर मोस्ट वेलकम. जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल पुट यू इन द स्पॉटलाइट. ये जरूरी नहीं है कि आप हमें पौधों के बारे में इतना बताएं ही. अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो भी वो हमारे पर्यावरण को के लिए कुछ ना कुछ करता है और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये हम सब जानते हैं, है ना. इसलिए अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड. आई थिंक द स्टूडेंट्स आर क्वाइट एट द बैक फुट. विनय सर, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? Tough for them when said at the moment. No doubt. I think कोई ये भी है ना, oath ceremony जैसा भी कुछ करना है शायद. Eva ma'am. Ma'am Bina. Hello ma'am. Eva ma'am. Yes ma'am. Hello ma'am. Anushri, are you saying yes. something? हाँ, बिना uniform का होगा. हाँ हाँ, बिना uniform का भी होगा बेटा. यूनिफॉर्म इज नॉट अ प्रॉब्लम. हाँ हाँ,
ओके तो हम कर सकते हैं? हाँ हाँ एकदम कर सकते हैं, जरूर कीजिए आप। ओके जस्ट आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। और आपका नाम क्या है बेटा, फ्रॉम व्हिच क्लास? अनुश्री। शी इज अनुश्री महतो। नहीं महतो, अनुश्री महतो। ओके अनुश्री महतो। ओके भाई By the time we are waiting, Vinasa, would you like to share something? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Monica. If we are ready, we'll just let me know. Put on your video. I'll put you in the spotlight with the plant. मैम हम एक पोएम बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं पर्यावरण पे? हाँ बोलिए लेकिन वीडियो ऑन करिए। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम एंड सर, माय रिस्पेक्टेड मैम एंड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज मोनिका कुमारी एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ B5। मैं आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी पोएम बोलना चाहूंगी पर्यावरण के ऊपर। मैं आवाज आ रही है, ऑडिबल आ रही है? बोलिए। बहुत अच्छी आवाज आ रही है। चलो पेड़ लगाते हैं पर्यावरण को बचाते हैं, चलो पेड़ लगाते हैं पर्यावरण को बचाते हैं। देख ली हमने भूकंप सुनामी, देख ली अब तो यह महामारी, देख लिए अब यह तूफान, निरंतर बढ़ते भू चक्रवात। प्रकृति की इस मार से सब कुछ हम सीख जाते हैं, चलो पेड़ लगाते हैं पर्यावरण को बचाते हैं। प्राण वायु की कमी से निरंतर बढ़ रही है मौतों हजार, कट रहे हैं पेड़, हो रहे हैं वन सुनसान, तड़प तड़प कर मर रहे हैं जाने कितने मासूम हजार। रोक ले यह तांडव बंदे, दे पर्यावरण को उपहार, चलो पेड़ लगाते हैं पर्यावरण को बचाते हैं। सूखे इस परिवेश को फिर हरा करते हैं, बढ़ चुकी है जो CO2, चलो O2 बढ़ाते हैं। ना तेरा ना मेरा, पूरा विश्व का संकट हराते हैं, एक वृक्ष सभी लगाकर प्रकृति को फिर से सुंदर बनाते हैं, चलो पेड़ लगाते हैं पर्यावरण को बचाते हैं। एंड हैप्पी एनवायरनमेंट डे टू ऑल। थैंक यू मैम। वेरी बहुत अच्छा। थैंक यू मोनिका फॉर दिस वंडरफुल पोएम। Thank you. Anushree, are you ready? I think Nisha of B5A wants to share something. Nisha? Yes, ma'am. The poem is like a video type. I can send you so that you can share it on the screen. What is the duration, Nisha? What is the duration of the video? Ma'am, most probably 2 minutes. Okay, fine. I'm allowing you to share. You just share the screen, okay? Okay, ma'am. You can share now. Are you able to do? No. What is the problem? Ma'am, it's creating a problem. No, but no, something must be written. What is the problem? It's showing no bookmark. Oh, that means you haven't saved it properly. No, ma'am. Ma'am, I'm sending you. Can you please share it? Only if it is in my mail, because I am on my laptop, so we'll be able to share it only if it is in my mail.
Anushree, are we ready with the plant or shall we move ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just 2 minutes. Okay. Eva, yeah, we want to. Eva, ma'am, after this we will conclude the program, right? Okay, after this plantation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Hello. Bhavya, ma'am. Yes, ma'am. मैम मैंने आज सुबह सुबह एक पौधा लगाया, क्या मैं शेयर कर सकती हूँ? बिल्कुल मैम, ये पूछने वाली बात है. मेरा देखिए, मेरे गार्डन में जो मैंने छोटा सा पौधा लगाया है आज सुबह सुबह, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण मेरी फोटो वीडियो बिना मैम वीडियो नहीं आ रहा है. वीडियो नहीं आ रहा है? वीडियो स्टक हो आ गया मैम. आया आ गया आ गया आ गया. मैंने अपने गार्डन में नया मेहमान लाया है, ठीक है. पर्यावरण का जो है महत्व हम लोग सब जान रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो हम क्यों ना अपना छोटा से छोटा योगदान भी अगर आज के दिन दे, तो ये हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है. अपनी और से एक स्टेप बढ़ाया कि थोड़ा थोड़ा मैं अपने गार्डन में थोड़ा नया सा छोटे छोटे मेहमान लेके आके थोड़ा इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. मैंने बोला मैम, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो अगर हम एक एक पौधा लगाएं, क्यों एक दिन के लिए, क्यों ना हर दिन के लिए या महीने में 2 दिन के लिए भी अगर हम बांध लें कि हम आज कुछ पौधा लगाएंगे या ये हम लगाएंगे, तो भी हम कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं. यस यस अनुश्री, वी कैन गो अहेड, यू कैन स्टार्ट योर वीडियो. ओके मैम. हाँ, गुड मॉर्निंग. आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर से हम एलोवेरा की एक पेड़ लगा रहे हैं. ओके. इसका साइंटिफिक नेम है एलो बर्बाडेसिस, और इसे इसका बहुत सारे गुण है. ये औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं हम, और ये मधुमेह रोगी, खून की कमी और मतलब विभिन्न काम के लिए ये व्यवहार किया जाता है. और अगर इसका मतलब इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है. और बहुत अच्छा अनुश्री, वेरी गुड. बहुत अच्छा अनुश्री, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. थैंक यू अनुश्री, थैंक यू सो मच. इवा मैम, थैंक यू अनुश्री. मुझे तो अनुश्री आना है. इवा मैम, गुड मॉर्निंग. यस मैम, आई वुड रिक्वेस्ट नाउ यू टू टेक ओवर. ओके, नाउ मैं बस इतना कहना चाहती हूँ थोड़ा सा बस, कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब ये हमारी बारी है कि हम प्रकृति को वापस, उसका जो हमने सारा ले लिया है उसको वापस कर सके, ठीक है. और ये एक दिन की बात नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी मेड आवर टॉप प्रायोरिटी फॉर एवरीवन एवरीवेयर कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. आइए हम और आप संकल्प ले कि पृथ्वी को वापस हरा भरा कर दे, लेट्स गो ग्रीन. And last but not the least, I am intensely happy to see such a sporting attitude of my students whose involvement motivated me and all others. So thank you all. But abhi, ma'am, Pragya will conclude the meeting. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you so much. And thank you, my team. Pragya, please go on, beta. Yes, ma'am. I hope you all have liked it. I request everyone to plant on any occasion, because how can we not fall in love with this cute green living being? Thank you all. So all the members of this meeting, the plantation cell meeting, plantation program that was scheduled from 9 to 9:40 onwards has concluded. Thank you, plantation cell. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. With due permission, I will end the meeting. Thank you all for being there. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Bhavya ma'am, for supporting us. Thank you, Bhavya ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.